आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में सभी लोग व्यस्त हैं, भागे जा रहे हैं नौकरी के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। और इस भागदौड़ की जिंदगी में अगर कोई हेल्थ इशू हो जाए, हॉस्पिटल में जाकर क्यू में लगना पड़े, खर्चा भी होता है, दर्द भी सहना पड़ता है, एक आम इंसान के लिए हेल्थ एक बर्डन है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? मैं डॉक्टर एस रंजन, एमबीबीएस डॉक्टर और होलिस्टिक हेल्थ साइंटिस्ट, पिछले 15 सालों से हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा हूँ। 25,000 से अधिक केस स्टडीज मैंने देखे हैं। हेल्थ को जितना मुश्किल समझते हैं, वास्तव में वो उतना मुश्किल नहीं है। हमें हेल्थ को समग्र रूप से समझने की जरूरत है। एनर्जी लेवल पे, साइकोसोमेटिक लेवल पे काम करने की जरूरत है। जड़ पर अगर हम एक्शन लेते हैं तो हेल्थ को मैनेज करना ईजी है। संपूर्ण स्वास्थ्य के सीरीज में हम स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों की बात करेंगे, फोकस्ड ऑन 3 प्राइमरी टूल नेम्ड मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर एंड अफर्मेशन। ध्यान हमारे मन को शांत और शून्य बनाता है। पतंजलि योग सूत्र में है, ध्यानम निर्विश्यम मनः। मन जब शांत और शून्य हो जाता है, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा उतरती है। किसी भी डिजीज का कारण है एनर्जी लेवल पे एनर्जी की डिफिशेंसी, एनर्जी का इम्बैलेंस। अगर हम ध्यान को अपनाते हैं, अपने सुषुम्ना नाड़ी के चक्रों को बैलेंस करते हैं, तो जड़ से हमारी बीमारी दूर होती है। मेडिटेशन में हम म्यूजिक टूल ऐड कर सकते हैं, हम पिरामिड टूल को ऐड कर सकते हैं। फुल मून मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन से हम उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। अनापानसति ब्रेथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर हीलिंग एंड हेल्थ, बीमारियों को ठीक करने के लिए। और अगर हम पहले से ही स्वस्थ हैं तो स्वस्थ को बने रहने के लिए, दोनों ही कंडीशन में मेडिटेशन का रोल है। मेडिटेशन के अलावा हम सीखेंगे एक्यूप्रेशर को। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें से मुख्य 22 नाड़ियों पर एक्यूप्रेशर होता है, जिसके माध्यम से हम सूर्य प्राण और पृथ्वी प्राण को बैलेंस करते हैं। इंची और यांगची ऊर्जा के विभिन्न प्रकार हैं। एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमें थोड़ा इन और यांगची की समझ चाहिए। संपूर्ण स्वास्थ्य के डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट डिजीज पर हम इन और यांगची के लिए क्या एक्यूप्रेशर करना है वो समझेंगे, और साथ में हम अफर्मेशन, साइकोसोमेटिसिटी सीखेंगे। एज विदिन सो विदाउट, एज द माइंड सो इज द बॉडी। अगर माइंड में हम अपने निगेटिव बिलीफ सिस्टम को ठीक कर लेते हैं, तो हमारा फिजिकल बॉडी भी हेल्दी हो जाएगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड में सकारात्मक विचार किस प्रकार से लाए जाएं, इसके लिए अफर्मेशन के विज्ञान को हम समझेंगे। नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज करना, मिरर वर्क, प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस को बोलना, एक्यूप्रेशर के साथ अफर्मेशन को मिक्स किया जाए, एनर्जी वर्क माइंड वर्क कंबाइन करने पर बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। इन सभी टूल को समझने के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य के इस सीरीज में हर वीडियो में हम एक बीमारी के बारे में बताएंगे। आप किस बीमारी के लिए हमारा विजडम चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए PMC हिंदी को सब्सक्राइब करें।